नमस्कार दोस्तों, पॉलिटेक्निकल्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में मैं एक छोटा सा ट्रिक्स दिखाऊंगा, जैसे कि आप एंसिबल प्लेबुक जब आप टाइप करते हो, राइट करते हो, तो आपको बहुत सारे इंडेंटेशन मेंटेन करना पड़ता है। तो बेसिकली जो YAML का इंडेंटेशन है, उसको आप कैसे मेंटेन करोगे ऑटोमेटिकली विदाउट मैनुअल एफर्ट, वो आप कैसे इजीली कर पाओगे, तो मैं दिखाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो पहले तो है, जैसे कि आप YAML, कोई भी YAML पेज अगर आप ओपन करोगे, सपोज टेस्ट डॉट YAML, तो यहाँ पे आप जो भी टाइप करोगे YAML पेजेस में, वो नॉर्मल आप क्या है, टैब और स्पेस यूज करोगे, करेक्ट। बट अगर आप कोई भी प्लेबुक, एनसेबल का प्लेबुक आप लिखना चाहते हो, तो उस केस में आपको क्या होता है, प्रॉपर इंडेंटेशन फॉलो करना होता है, अदरवाइज आपका प्लेबुक में एरर आएगा, करेक्ट। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, YAML इंडेंटेशन के लिए आप कोई भी जो भी यूजर पे, आप जो आप एंसेबल का जो कंट्रोल नोड है, उस पर जो आपका यूजर है, जिस एंसेबल यूजर से आप सारे कमांड्स रन करोगे, सारे प्लेबुक्स रन करोगे, तो उसमें जाके आप उसके जो प्रोफाइल है, उसमें वी मार्सी पे जाके आप वो जो इंडेंटेशन का है, इंडेंटेशन कैसे हो सकते हो और लिख सकते हो, वो डिफाइन कर सकते हो। कैसे डिफाइन कर सकते हो, ऑटो कमांड से, या ऑटो सीएमडी, ठीक है। उसके बाद फाइल टाइप, तो फाइल टाइप आपका कौन सा फाइल टाइप में यूज होगा, YAML। उसके बाद सेट लोकल, मतलब जो पैरामीटर है वो लोकल पैरामीटर है, इस पर्टिकुलर इस यूजर के लिए पैरामीटर यूज होगा लोकली, ठीक है, वो ग्लोबली नहीं है। तो क्या है, सपोज AI, AI मीन्स ऑटो इंडेंटेशन, ठीक है। TS इक्वल्स टू, दैट मीन्स जो टैब, जो आप टैब प्रेस करते हो, जो इसका जो स्पेस है वो हमेशा 2 लेगा, इक्वल्स टू 2, ठीक है। मतलब टैब स्टॉप, 2 स्पेस के बाद वो स्टॉप होगा। देन उसके बाद है आपका SW इक्वल्स टू 2, उसका भी शिफ्ट विड्थ होता है, इसका शिफ्ट विड्थ, जैसे कि नंबर ऑफ स्पेस यूज बाई ऑटो इंडेंटेशन। तो ऑटो इंडेंटेशन कितना स्पेस लेगा, वो स्पेस यहाँ पे डिफाइन करता है। देन नेक्स्ट होता है ET। हाँ, तो ET होता है आपका, सपोज एक्सपांड टैब, जो उसका फुल फॉर्म है, वो यूज होता है जो आप जब नॉर्मल, जैसे कि मैंने ये टाइप किया, तो इसमें क्या आ रहा है, कर्सर जो है, या ये व्हाइट कलर का छोटा कर्सर एक आ रहा है, जब आप इसको एंटर भी करोगे, नॉट कर्सर सॉरी, जो लाइन आ रहा है, तो एक व्हाइट कलर के यहाँ पे आप देख पा रहे हो जो विड्थ है इसका। बट आप जब यहाँ पे ET मेंशन करोगे, तो ET है एक्सपांड टैब, जो मतलब क्या करेगा, व्हाइट स्पेस यूज करेगा, मतलब जो स्पेस, हम जो ये स्पेस बार यूज कर रहे हैं, उसका जो हर एक कैरेक्टर के लिए जो सिलेक्शन होगा, सपोज हमने ये कैरेक्टर सिलेक्ट किया, तो ये देखिए ये भी वाइट स्पेस है, बट वो क्या होगा, उसका लेंथ थोड़ा ज़्यादा होगा, ताकि आप जो प्रॉपर लाइन है, सपोज इस लाइन के इक्वली आपको स्ट्रेट दूसरा दूसरा एक लाइन टाइप करना हो, तो वो स्ट्रेट होने के लिए जो ये जो है आपका ये वाला जो पॉइंट है, इसको आपको नीचे तक आना पड़ेगा, तब जाके आप स्ट्रेट लाइन एक यूज कर पाओगे कोई भी लाइन के ऊपर। तो वो डिफाइन करते हैं ET, जो है की है एक्सपांड टैब, ठीक है। देन उसका जो वैल्यू होगा, जैसे कि आपका उसको बोलते हैं कॉलम, कर्सर कॉलम, ठीक है, CUR कर्सर कॉलम, तो कर्सर कॉलम के हम जो कर्सर जहाँ पे आप जाएगा, जैसे कि हम यहाँ पे कर्सर ले जा रहे हैं, तो कर्सर का वो एक कॉलम क्रिएट हो जाएगा, ताकि आप इंडेंटेशन करेक्टली कर पाओ, एक एक लाइन जो है आप उस लाइन के हिसाब से वो कॉलम, कर्सर का कॉलम आगे बढ़ता जाएगा। तो इसको मैं सेव करता हूँ सेटिंग्स को। देन मुझे
एक YML फाइल ओपन करना है टेस्टिंग के लिए। ओके, ये देखिए जो मैंने बताया एक्सपांड टैब, जितना भी आप एंटर करोगे तो टैब एक्सपांड होता जाएगा, ठीक है। बट आप अगर ये सेटिंग्स नहीं रहता तो आप जितना भी एंटर करोगे वो एक्सपांड नहीं होगा, वो अलग अलग आपका एक वो करेगा, मतलब ये चीज़ एक्सपायर नहीं होगा आपका, सेपरेटली जो जितना छोटा कर्सर है उसी के हिसाब से वो चलेगा। तो सपोज आप कोई भी प्लेबुक लिखते हो, उसका ठीक है, सपोज इंस्टॉल देन आप होस्ट ऑल वायर्स कुछ आप ले लो, ठीक है। कुछ आप अगर इंस्टॉल करना चाहते हो तो ये देखो, आप पहले आपको क्या करना पड़ता था, आपको उसका इंडेंटेशन करने के लिए आपको जस्ट ऐसे टैप स्पेस करके जाना पड़ता था आपको थर्ड कैरेक्टर पे। बट आप जब ऑटो इंडेंट कर देते हो, जस्ट एक टैप प्रेस करोगे तो आपका पूरा करेक्ट लाइन पे जहाँ से वो स्टार्ट होना चाहिए वहाँ तक आ जाएगा आपका, ठीक है। जब उस PHP PKG में ये आप प्लेबुक कंप्लीट नहीं करूँगा, जस्ट फॉर एग्जांपल मैंने वो किया है। जब उस एक टास्क आप टाइप करोगे और टास्क क्या होगा, नेम इंस्टॉल PHP देन आपका यम और उसमें जो कि आपका पैकेज, जो जैसे नॉर्मली प्लेबुक आप लिखते हो तो ऐसे आप प्लेबुक डाल। तो देखिए जितना भी लाइन बढ़ता जा रहा है ये कर्सर कॉलम में क्रिएट हो रहा है, ठीक है। और उससे क्या हो रहा है, आपका इंडेंटेशन मैच हो रहा है। इवन आप अगर जैसे मैंने बताया था कोई भी टैब प्रेस करोगे, टैब एग्जैक्टली उसी लोकेशन पे आएगा जहाँ से वो लाइन स्टार्ट होना चाहिए। तो ऐसे क्या कर सकते, तो कोई भी आप YAML फाइल को इंडेंट करने के लिए आप ये लाइन यूज कर सकते हो, जिससे क्या होगा आपका कोई भी एंसिबल प्लेबुक टाइप करने में बहुत इजी होगा और इंडेंटेशन आपका करेक्टली आप कर पाओगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ये नॉलेज किसी दूसरे को भी मिलता रहे। मेरे वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।